दोस्तों, अब तक हमने देखा कि लूसी के डैड उससे दुआन को डिनर पर बुलाने के लिए कह रहे थे, जिस पर लूसी राजी हो जाती है और तभी वो फोन करके दुआन को इनवाइट करने लगती है। इस वक्त दुआन अपनी मीटिंग में बिजी था क्योंकि वो गेम डेवलपर बन चुका था, इसलिए वो लूसी की कॉल पिक नहीं करता है और फिर घर आकर वो उसे कॉल कर देता है। अब लूसी उससे कहती है कि तुमने उस दिन मुझे घर तक छोड़कर मेरी हेल्प की थी, इसलिए थैंक्स के तौर पर मैं आपको डिनर पर इनवाइट कर रही हूँ। लेकिन दुआन उससे आज रात डिनर पर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो आजकल बहुत बिजी है, लेकिन वो उससे संडे के दिन जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसी यूनिवर्सिटी में होती है, तभी चैंग उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इस संडे मूवी देखने चलोगी। लेकिन लूसी को तो दुआन के साथ इस संडे को डिनर पर जाना था, इसलिए वो उससे किसी बात का बहाना बनाकर किसी और दिन जाने को कहती है। यहाँ हम देखते हैं कि दुआन जब अपने घर होता है तो तभी उसे एक पार्सल आता है, ये उसी लड़की ने दुआन को सेंड किया था जो उस दिन उसे पैसे देकर परेशान कर रही थी। दुआन उसके गिफ्ट को खोलता नहीं है, वो किसी जगह पर रख देता है जहाँ पर उसने उस लड़की के और भी गिफ्ट कलेक्ट कर रखे थे। फिर दुआन जब अपने ऑफिस में होता है तो तभी वो जूलिया को, यानी जिसने उसे गिफ्ट सेंड किए थे, उसे फोन करके कहता है कि मुझे गिफ्ट सेंड करना बंद करो, मैं उन्हें खोल के भी नहीं देखता हूँ और आज के बाद मुझे कॉल और मैसेज करके परेशान करना बंद करो। यहाँ दूसरी तरफ वही लड़की यानी जूलिया दुआन को फिर से बार बार कॉल करने लगती है, लेकिन दुआन उसकी कॉल पिक नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी बाहर दुआन का वेट कर रही होती है क्योंकि आज ही वो दिन है जब लूसी को दुआन के साथ डिनर पर जाना था। वो फोन करके उसे आने को कह रही थी, लेकिन इस वक्त दुआन अपने ऑफिस में होता है, उसकी आज तबीयत खराब थी इसलिए वो उससे आज डिनर पर जाने के लिए मना कर देता है। और फिर लूसी दुआन से उसके ऑफिस का एड्रेस पूछकर उसके पास ऑफिस तक आ जाती है। दुआन के स्टमक में पेन हो रहा था जिससे उसे चलने में भी परेशानी हो रही थी, इसलिए लूसी उसे पकड़कर हॉस्पिटल तक ले जाने लगती है। फिर आगे चलकर लूसी टैक्सी बुक करने लगती है, वो उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। और तभी सडनली गलती से लूसी दुआन से टकरा जाती है जिससे दुआन के लिप्स लूसी के फोरहेड से टच हो जाते हैं। दुआन कहता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया। फिर लूसी दुआन को जल्दी से टैक्सी में बैठाकर हॉस्पिटल तक ले आती है। हॉस्पिटल में आकर पता चलता है कि दुआन की कंडीशन काफी सीरियस है, इसलिए डॉक्टर दुआन का ऑपरेशन करने को कहते हैं। फिर दुआन को सर्जरी के लिए ले जाने लगते हैं। लूसी अब बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। दुआन उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, सर्जरी ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। यहाँ लूसी अब बाहर बैठी हुई थी और तभी उसे मॉम की कॉल आ जाती है। लूसी मॉम को दुआन के बारे में बता देती है कि दुआन की तबीयत खराब है। लूसी की माँ कहती है कि दुआन जब 18 साल का था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उनके फ्यूनरल के लिए हमने ही उसकी मदद की थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात सुनकर अब लूसी दुआन के लिए और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। और फिर दुआन की सर्जरी के बाद लूसी दुआन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दुआन उससे कहता भी है कि तुम मेरे लिए ज्यादा परेशान हो रही हो, इसलिए तुम घर जाओ। लेकिन लूसी घर जाने से मना कर देती है और कहती है कि आज रात मैं यही रुक कर आपका ख्याल रखूंगी। दुआन उससे बार बार घर जाने को कहता है लेकिन लूसी बिल्कुल भी मानती नहीं है। और फिर जब लूसी वॉशरूम में होती है तब उसके मन में ख्याल आता है कि दुआन सर्जरी के बाद नहा तो सकता नहीं, इसलिए मैं उसका फेव साफ कर देती हूँ। और फिर वो दुआन के पास आकर कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारा फेस साफ कर सकती हूँ। और फिर लूसी दुआन का फेस साफ करने लगती है, तभी दुआन अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसके बाद लूसी उसे पास से और भी ज्यादा गौर से देखने लगती है। लेकिन तभी दुआन अपनी आंखें खोल लेता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने में खो जाते हैं। लेकिन तभी लूसी यहाँ से भागकर वॉशरूम चली जाती है और सोचती है कि इसने अपनी आंखें अचानक से कैसे खोल ली। दुआन अब उसी फोरहेड वाले किस के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं लूसी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। फिर रात को लूसी जैसे ही दुआन के पास ही सोने के लिए लेटती है तो तभी उसे चैंग का वॉइस मैसेज आ जाता है, जिससे लूसी से वो गलती से ऑन हो गया था, वो उससे फिर से मूवी पर जाने के लिए कह रहा था। दुआन ने वो मैसेज सुन लिया था जिस पर वो लूसी से कहता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस पर लूसी दुआन से कहती है कि नहीं, वो बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा फ्रेंड है। फिर सुबह को लूसी यूनिवर्सिटी जाने लगती है और जाते वक्त वो दुआन से कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम अभी मुझे बता सकते हो, मैं लाकर दे दूंगी। दुआन कहता है कि तुम मेरे घर से मेरे कुछ कपड़े और मेरा लैपटॉप लाकर दे सकती हो।
और फिर लूसी दुआन से घर की चाबी लेकर उसके घर आ जाती है। यहाँ पर वो दुआन के साथ अपनी फोटो रखी हुई देखकर बहुत खुश होती है, जो उसने दुआन के साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी में क्लिक कराई थी। अब लूसी दुआन का सामान लेकर यहाँ से जाने लगती है और तभी यहाँ पर जूलिया आ जाती है। वो लूसी से बाहर का गेट बंद करने को मना करती है। लूसी उस पर ध्यान दिए बिना यहाँ से चली जाती है। यहाँ जूलिया दुआन के गेट पर आकर बार बार नोक करके दुआन को पुकारे जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी क्लास में होती है और फिर जब वो क्लास के बाद बाहर आती है तो तभी चैंग उसके पास भाग कर आता है। वो उससे कहता है कि तुम कल रात मेरे साथ मूवी देखने क्यों नहीं गई। इस पर लूसी कहती है कि कल मेरे किसी रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में ही रुक गई थी। चैंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, क्या हम आज रात चल सकते हैं, और फिर लूसी इसके लिए मान जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि दुआन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ चुका था। उसकी तबीयत अब ठीक थी। तभी वो देखता है कि उसके घर में जगह जगह पर कई सारी चिट्स लगी हुई हैं, जो लूसी यहाँ लगा कर गई थी। उसमें लूसी ने दुआन के लिए लिखा था कि तुम्हें कब कौन सी मेडिसिन खानी है और कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं। लूसी को अपने लिए इतना फिक्रमंद देखकर दुआन अब खुश हो रहा था। वो यही सोच रहा था कि मेरी लाइफ में लूसी ही एक ऐसी इंसान है जो मेरी फिक्र करती है। और फिर दोस्तों यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है।